रुग्रा नाश्ता ले आओ भाई। अम्मा जूस लेंगी? नहीं बेटा, मैं चाय पीऊंगी। तुम नाश्ता करो, मैं बना लूंगी। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। दाई भी तो पिएगा ना, वो तो सिर्फ मेरे हाथ की बनी चाय पीता है। हाँ भाई, तुम मेरी इकलौती बहन हो, वरना कोई और खूबसूरत लड़की भी चाय बना दी तो मैं शौक से पीता। अम्मा कब दे दिया? ये लो। हाँ दुआ जी। अब्बा, तुम्हारी माँ बता रही थी बेटा कि तुमने मुस्तजाब के रिश्ते से इनकार कर दिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी खुशी है, हम में से कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। लेकिन बेटा मेरा कहना ये था कि एक दफा फिर खुले दिल से सोचो। मुस्तजाब अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, हम सबका देखा भाला है। छोटी सी उम्र में इतना अच्छा, इतना बड़ा कारोबार उसने सेट कर लिया है। शुस्ता इंसान है। वेलकम होम। फिर सबसे बड़ी बात ये बेटा कि जब इस तरह के रिश्ते घर खुद चल के आते हैं ना, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। बस अंडरएस्टिमेट कर रही हूँ। सॉरी। मैं कई दिन से गौर कर रहा हूँ, मुझे इस रिश्ते में कोई खामी ऐसी दिखाई दे नहीं रही। सच सच बताओ, कोई पसंद वगैरह का चक्कर तो नहीं है ना? दाई। यार मजाक कर रहा हूँ मैं। मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो वगैरह थे। अम्मा देखे ना इसको, कितनी बदतमीजी करने लगा है। मैं नहीं बात कर रही तुमसे। दाई। बेटा नाश्ता तो करती जाओ। ओ, मैं मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया, इतनी नखरीली है? किस्मत अच्छी है मुस्तजाब की, बच गया। मैं देख के आता हूँ।